एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के बारे में। कुंडली का जो छठा भाव है वो त्रिक भाव कहलाता है। दो त्रिक भाव में छठा, आठवां और बारहवां भाव, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। तो छठे भाव से हम जो देखा जाता है, ये रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है, ये अशुभ भाव भी कहलाता है। और यहाँ पे जब भी कुछ चोट लगती है तो उसको देखते हैं। तो मुख्यतः क्या हुआ, इसमें शत्रु आ गए, रोग आ गए, चोट आ गई, कष्ट आ गए हैं, चोरी है, संघर्ष है, बदनामी है, विवाद है, शोक है, ये आदि के विचार जब हम करेंगे तो ये आठ छठे भाव से करेंगे। तो इस तरह से ये है, छठे भाव का जो देखेंगे तो पंचम भाव से दूसरा भाव कहलाता है, तो ये बच्चों का धन भाव कहलाएगा आपको। इसी तरह से ये छठा भाव जो है वो त्रिक भाव, त्रिषड़ा जो होता है, तीसरा भाव, छठा और ग्यारहवा भाव है, तो ये भी एक अनिष्ट वाले भाव कहलाते हैं। तीन छः ग्यारह त्रिषड़ा भाव कहलाते हैं, जो कि छठे का भाव भी उसी में आ जाता है। तो ये एक उपचय भाव भी है, ये उपचय में भी आ जाता है कि उपचय भाव में तीसरा, छठा, दसवां, ग्यारह भाव आते हैं। तो इस तरह से छठे भाव के बारे में हम देखा। और यहाँ पे जो इसके कारक ग्रह बनते हैं वो मंगल और शनि है। तो मंगल और शनि जो है, तो ऐसा माना जाता है कि मंगल और शनि के कारण यहाँ हानि का भी भाव है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि मान लो ये चोट आदि लगती है हमको, या जो रोग होते हैं, तो वो छठे भाव से हुआ, और छठे से छठे ग्यारह भाव जो रहता है, ये भी ये रोग के लिए हो माना जाता है। तो भावत भावम सिद्धांत से छठे से ग्यारह भाव भी रोग का ही होता है। तो छठे भाव में अगर हम देखें तो कौन चोट कौन पहुंचाएगा, मंगल और केतु ग्रह है, ये जो है इनका छठे भाव का या ग्यारह भाव का स्वामी का संबंध जब मंगल और केतु से बनता है, तो ये आपको चोट पहुंचाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो रोग का भाव छठा होने के, यहाँ शनि और राहु रोग कारक ग्रह माने जाते हैं, है ना। तो जब भी कुंडली के छठे भाव का स्वामी शनि या राहु के प्रभाव में आता है, कहीं पे भी शनि राहु के साथ में बैठता है, या उनके छठे भाव का स्वामी का शनि राहु के दृष्टि में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो वाला अंग जरूर पीड़ित होता है। इसको ऐसा देख सकते हैं हम। फिर जब हम बात करेंगे खर्चे वगैरह के बारे में, तो कर्ज का भाव होता है। तो ये लग्न द्वितीय और द्वादश जो भाव हैं, यहाँ पाप प्रभाव होगा, और छठे भाव का स्वामी का संबंध द्वितीय भाव तथा उससे होगा, तो आय कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा, ऐसा भी हम देख सकते हैं। तो इसके चलते उसको ऋण भी लेना पड़ता है। विपरीत धातु के बारे में माना गया है कि जब भी छठे अठे बारहों के स्वामी अगर उन्हीं के भावों में एक दूसरे के भाव में बैठते हैं, तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। मतलब विपरीत परिस्थितियों में जब आदमी परेशान होता है, तो वो फिर बाद में उसको अच्छे फल देने के कार्य करता है। तो वो एक राजयोग का फल बताया गया है। तो ये अशुभ भावों का स्वामी का संबंध होना चाहिए, मतलब छठे का बारहवें में हो या बारहवें का छठे में, या आठवें भाव का स्वामी छठे में और छठे भाव का स्वामी या तो बारहवें में, या तो राशि परिवर्तन बैठे या बैठ जाए, तो भी ये विपरीत परिस्थितियाँ, दो नकारात्मक चीज़ें हो गई है, तो उसका सकारात्मक परिणाम ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो इसको को ऐसा भी हम लगा के देख सकते हैं कुंडली में। तो इस तरह से जब हमारे विरोध और शत्रुता की बात करेंगे, तो छठा भाव जो है विरोधी है या शत्रु है जो है, उसका विचार यहाँ छठे भाव से करते हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई इस भाव का जो स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी आकर मान लो यहाँ बैठ जाएगा, तो व्यक्ति को जो है वो वहाँ से विरोध तो प्राप्त होगा। या नवम भाव का स्वामी छठे में आके बैठेगा, तो मनुष्य को अपने पिता से विरोध होगा।
तो विरोध का मतलब ये हुआ कि जो भाव का स्वामी यहाँ बैठता है तो उस भाव से संबंधित तो उसका विरोध या शत्रुता आपको प्राप्त होगी। जैसे कि नवम भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठेगा, जैसे नवम भाव का स्वामी जो सूर्य है अगर यहाँ बैठ जा रहा है तो पिता से या शत्रुता का भाव उत्पन्न करेगा ये। तो आप बात करेंगे इसकी कि कालभुज का ये छठा भाव होता है तो नाभि प्रदेश कहलाता है, तो यहाँ से आत और गुर्दे का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो चौथे भाव का जो स्वामी पर पाप ग्रहों का प्रभाव आएगा तो आत से और गुर्दे से संबंधित आपका वो जो है रोग हो सकता है, तो ये भी आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो छठे भाव को कोर्ट कचहरी विवाद के लिए भी माना जाता है, मुकदमेबाजी के बारे में भी माना जाता है। तो ये भी आपको यहीं से देखा जाता है। जीवन साथी से लगाएंगे तो सातवें भाव का बारहवां भाव है, तो ये शारीरिक कष्ट वगैरह होते हैं। अगर ये यहाँ पे जैसे कि 3 नंबर की राशि बुध है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है कि अपनी पत्नी के को कष्ट है, मतलब रोग हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आपको जीवन साथी का जो अरिष्ट है या अलगाव भी बोल सकते हैं, वो छठा भाव जो कि सप्तम भाव से बारह भाव हानि का है, सप्तम भाव अपना जीवन साथी का है, तो इसका इस तरह से भी इसको लगा के देखा सकते हैं। तो जीवन साथी को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और वाद विवाद चले तो अलगाव भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है, ये भी ये दर्शाता है। इस तरह से जो शुक्र ग्रह है वो शादी का कारक का ग्रह माना जाता है, तो जब भी सप्तम भाव का स्वामी जो बनता है वो उसका विवाह का जो कारक है शुक्र भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। वो छठे भाव से जब संबंध बनेंगे तो ये भी छठे जो जीवन साथी से अलगाव या तलाक हो सकता है। तो इस जब भी दशा अंतर दशा मान लो शुक्र की और गुरु की चलती है और जब मान लो वो छठे भाव में बैठ जाता है और उस टाइम परिस्थितियाँ बनती है तो वो या तो जीवन साथी से अलगाव करेगा या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ देंगे। तो इसको हम यहाँ जो भी अभी सूत्र हमने बताया छठे भाव के बारे में कुंडली में, ये कुंडली यहाँ दिखा रहे हैं हम कि जिस तरह से यहाँ से छठा भाव का जो स्वामी बनता है वो शुक्र है, वो सौगरी जरूर है, परंतु यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो बैठ गया है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और ये जो शादी का भाव जैसा बताया हमने कि लड़के के लिए शुक्र शादी का कारक होता है, वो भी यहाँ बैठा है और शादी का स्वामी भी ये बुध भी यहाँ बैठा है। तो ये जो दिखाता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियाँ है वो दिखाती है अपने जीवन साथी के बारे में, और साथ साथ में ये भी दिखाता है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जब भी इनके दशा अंतर दशाएँ चलेंगी तो शुक्र में बुध की या बुध में शुक्र की, तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देंगे और अलगाव भी करा सकते हैं या तलाक तक की स्थिति भी पहुंच सकती है अगर ये इस तरह का हो सकता है, और मुकदमेबाजी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ये छठा भाव उसका भी है। तो इस तरह से अपनी कुंडली में आपको लगा के देख सकते हैं छठे भाव में किस तरह से प्रभाव होता है, उसको सरल जानकारी हमने इस कुंडली के माध्यम से दी है। तो आप अपनी कुंडलियों में इसको लगा के देखें कि किस तरह से छठे भाव आपकी कुंडली में कार्य कर रहा है, और जो सूत्र है उनको जरूर लगाएं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो विस्तृत वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।